नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा बुधवार को शुरू हो गई। इसको लेकर भागलपुर जिले के 50 सेंटरों पर परीक्षार्थियों ने इंटर की परीक्षा दी। एग्जाम के पहले दिन बुधवार को प्रथम पाली की परीक्षा अपने तय समय सुबह 9:30 बजे से हुई, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 में शुरू हुई। वहीं परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थी गाइडलाइन के अनुसार सेंटरों पर पहुंचते दिखाई दिए। प्रथम पाली में गणित और दूसरे पाली में कला संकाय की हिंदी की परीक्षा हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखने को मिला, जबकि सेंटर के भीतर सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन भी कराया गया। वहीं प्रथम और द्वितीय पाली में आए परीक्षार्थियों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसको लेकर छात्राओं ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, जबकि दोनों विषय के प्रश्न पत्र को देख कर भी परीक्षार्थियों ने बेहतर अंक प्राप्त करने की बात कही। इधर जिले में बनाए गए आदर्श केंद्रों पर भी छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी और मिर्जानहाट स्थित आदर्श बालिका केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों का चंदन तिलक लगाकर स्वागत किया गया, जबकि शारदा झुंझुनवाला महिला कॉलेज में भी परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था देखने को मिली। हालांकि बिहार के कई जिलों से प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई है, लेकिन भागलपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले दिन की परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। इधर इंटर परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी दिखी, जिसके लिए जिले में कुल 275 पुलिसकर्मी एवं 60 पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। बता दें कि भागलपुर शहर में बनाए गए 38 परीक्षा केंद्रों में से 24 छात्राओं के लिए और 14 छात्राओं के लिए बनाए गए हैं, जबकि नवगछी और कहलगांव में 6-6 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं भागलपुर जिले में कुल 41,916 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रवेश रोल नंबर के हिसाब से जो लिखा गया था ब्रेंच पे, अपना रोल नंबर हर क्लास में रोल कोड के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से दे दिया गया था और वहाँ पे रोल नंबर के हिसाब से अपना बैठना था और हर क्लास में दो टीचर गार्डिंग कर रहे थे। दोनों मैम थी, क्योंकि गर्ल्स स्कूल का है तो फिर इसलिए मैम यहाँ पे गार्डिंग कर रही थी, दो मैम थी। मैथमेटिक्स का कैसा रहा पेपर? अच्छा ही था। अंदर सीटिंग अरेंजमेंट कैसा था? अच्छा था। एक बेंच पे कितनी छात्राएं बैठी? दो। भागलपुर के गोराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत डंडा बाजार फाजिलपुर गांव के एक युवक की करंट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान डंडा बाजार फाजिलपुर निवासी अनिरुद्ध यादव के 28 वर्षीय पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। वहीं इसको लेकर मृतक के परिजन सुभाष यादव ने बताया कि मृतक गाय चराकर आ रहा था, तभी गाय दूसरे खेत में भाग गई और उसे वापस लाने के क्रम में वह बिजली के पोल में सट गया, जिससे अमन को करंट लग गया। वहीं शोरगुल होने पर उन लोगों ने सूखे बांस से उसको छुड़ाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी करता था और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी, जबकि वह अपने पीछे पत्नी समेत 3 बच्चों को छोड़ गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची गोराडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमन कुमार पिता अनिरुद्ध यादव गाय चरा करके आ रहा था और गाय बुक करने के लिए भाग गई और उसको घुराने के चक्कर में जो है पोल में गिर गया, पोल में सबके गिर गया। तब हम लोग मतलब जा करके सूखा बांस से मारपीट मतलब मार करके उसको छुड़ाए और सिमरनारायण यादव साथ में था, तब उस घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई उसका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को संसद भवन में देश का 75वां बजट पेश किया गया। वहीं बिहार में इस वित्तीय बजट को लेकर विशेष पैकेज को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा पूरे इस दौरान एक बार भी बिहार राज्य का नाम तक नहीं लिया गया। हालांकि इस बजट में सबसे अहम बात मध्यम वर्गीय लोगों को 7 लाख रुपये तक के आय पर छूट की बात रही, जबकि कृषि क्षेत्र में भी विशेष पैकेज की आस पर निराशा हाथ लगी। गौरतलब हो कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लंबे समय से केंद्र सरकार के समक्ष राज्य के विशेष दर्जे की मांग उठा रहे हैं। वहीं बुधवार को आम बजट से भागलपुर के व्यापारिक वर्ग में भी कुछ खास खुशी नहीं देखी। इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए व्यवसायियों ने कहा कि कई ऐसी जरूरी बातें हैं जो बजट में दिखाई नहीं दे रही है। वहीं आलोक अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्री ने काफी घोषणाएं की है, लेकिन इसका लाभ लोगों तक कितना पहुँचता है यह देखना होगा। इधर बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे आम लोगों के लिए सही बजट
नहीं बताया। विधायक ने कहा कि यह बिहार लंबे समय से दोहरेपन का शिकार होता रहा है और यह हाल तब है जबकि इस राज्य की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर करती है। साथ ही कहा कि बजट में मध्यम वर्गीय और व्यवसायियों के हितों का भी ख्याल मोदी सरकार द्वारा नहीं रखा गया है। ये बजट ओवरऑल अच्छा है और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए फायदेजनक है। इसमें बहुत सी चीजें जो दी गई है, 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, 50 नए एयरपोर्ट शुरू करने के लिए ऐलान किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है और 2.40 लाख करोड़ रेलवे को ही बढ़ाने के लिए, रेलवे की संपत्ति को बढ़ाने के लिए दिया गया है जो कि उत्साहवर्धक है। साथ ही कई सामानों में ये कस्टम ड्यूटी भी घटा दी गई है। हम लोगों को जो उम्मीद थी उसके अनुसार एमएसएमई को काफी प्रोत्साहन मिला है इस बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी खर्च करने की बात सरकार कह रही है जिसका निश्चित रूप से पूरे अर्थव्यवस्था पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। जो डायरेक्ट टैक्सेस में हम लोगों को कुछ उम्मीद थी वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुई है। सरकार ने कुछ दिया है लेकिन उसमें एक राइडर जोड़ दिया है कि नए टैक्स रिजीम की बात, जहां पर नए टैक्स रिजीम में काफी एग्जम्पशंस कम हो जाते हैं तो वहां पर थोड़ी सी और हम लोगों को उम्मीद थी कि सरकार करेगी, लेकिन ये चुनाव का समय है, सरकार ने सारे क्षेत्रों को छूने की कोशिश की है। भागलपुर नगर निगम में बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन सहित 7 अस्थायी समिति के सदस्यों ने नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर और उप सचिव की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण किया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद नगर निगम में होने वाले कार्य को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इधर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने बताया कि महापौर, उप महापौर सहित सभी नव निर्वाचित सदस्यों का विधिवत शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है जिसके बाद निगम अब विकास कार्य की ओर बढ़ेगा। नगर आयुक्त ने कहा कि जल्द ही निगम अपना बजट भी पेश करने जा रहा है जिसमें स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की तमाम योजनाओं के तहत कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही कहा कि जो क्षेत्र पिछड़े रह गए हैं उन पर भी विशेष नजर रहेगी। मौके पर महापौर, उप महापौर के अलावा वार्ड पार्षद पृथ्वी शेखर, संजय सिन्हा, अशरफी बेगम सहित कई पार्षद एवं निगम कर्मी मौजूद रहे। शपथ का जो आज जो है वो कार्यक्रम हुआ है और स्थायी समिति का जो है हम लोग नामित जो किया गया था उन सभी सदस्यों की सूची विभाग को हम लोगों ने भेज दिया गया था। विभाग की तरफ से जो उप सचिव महोदय हैं उनका यहाँ पर आगमन हुआ और उनके द्वारा सभी सदस्यों को, जो स्थायी समिति के सदस्य थे उनको जो है वो शपथ का कार्यक्रम संपन्न किया गया। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 21 दिनों तक देश के 11 राज्यों के वैज्ञानिक आईसीटी के गुर सीखेंगे और अपने राज्यों में जाकर अमल में भी ले जाएंगे। आईसीएआर पोषित करियर एडवांसमेंट फैकल्टी ट्रेनिंग की शुरुआत बुधवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डी आर सिंह, भागलपुर ट्रिपल आईटी के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे, विसा के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर आर के जाट एवं प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर के सोहानी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण के दौरान
कृषि विस्तार के लिए आईसीटी आधारित समाधान और न्यू नॉर्मल में मार्केट लिंकेज विषय पर बोलते हुए कुलपति ने कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय आईसीटी के माध्यम से कृषि प्रसार के क्षेत्र में देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में अग्रणी रहा है और आईसीटी के माध्यम से वैज्ञानिकों को छोटे एवं मझोले किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करना होगा। वहीं प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बीएयू से हुए एमओयू की चर्चा करते हुए किसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्मार्ट ऐप के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर के सुहानी ने कहा कि 19 फरवरी तक देश के 11 राज्यों के वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय के आईसीटी के मॉडल जैसे सामुदायिक रेडियो स्टेशन, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और कृषि प्रसार के लिए सोशल मीडिया के हो रहे प्रयोग को समझेंगे और अपने अपने विश्वविद्यालय में जाकर अमल में ले जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सी के पांडा, धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आदित्य सिन्हा ने किया। मौके पर विश्वविद्यालय के सभी निदेशक, अधिष्ठाता, कुल सचिव और जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार मौजूद रहे। भागलपुर के सोलंकी डिफेंस एकेडमी में युवाओं के लिए सिपाही, दरोगा, बीएसएफ और आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी कराया जाता है। इसमें कई अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। इसको लेकर बुधवार को कटिहार एआरओ से उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों को सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक और प्रबंध निदेशक ने मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि उनकी संस्था के बच्चों ने टेक्निकल में 100% रिजल्ट दिया है। उन्होंने कहा कि जीडी में उनके कई छात्र असफल रहे हैं जिसके लिए उन्हें खेद भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद भी उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके संस्था के बच्चे ने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने सरकार को कोसते हुए कहा कि एक तरफ जहां उनकी संस्था की ओर से बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जबकि सरकार के द्वारा इस पर विशेष पहल नहीं की जा रही है। रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि बीते 30 जनवरी को कटिहार एआरओ का रिजल्ट निकला है जिसमें 60,000 से अधिक फॉर्म भरा गया था और इसमें 281 छात्रों का ही चयन किया गया है जो कहीं से भी सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर विशेष पहल करनी चाहिए जिससे अधिक संख्या में अभ्यर्थियों का चयन हो सके और बेरोजगारी भी कम हो। जिस तरह से आप सभी जान रहे हैं कि सोलंकी डिफेंस एकेडमी जब से भागलपुर में आई है अपना 100% रिजल्ट देते हुए आई है। इस बार भी जो डिफेंस का जो शुरुआत हुआ था, आज जो रिजल्ट 30 तारीख पहला महीना 2023 का जो रिजल्ट कटिहार एआरओ में घोषित किया गया उसमें सोलंकी डिफेंस एकेडमी ने 100 में 100 रिजल्ट टेक्निकल में दिया है। इससे पहले भी सोलंकी डिफेंस एकेडमी ने 100% रिजल्ट दिया है लेकिन इसी रिजल्ट के साथ जितना आज मुझे खुशी है उतना ही मुझे पीड़ा है कि जो भारत सरकार ने जो रिजल्ट पारित किया था जिसके अंदर अगर मैं बता दूं कि टेक्निकल, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। जीडी के अंदर एक रूल्स होता है जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट, टोटल बंदे ने 60,000 बंदों ने भाग लिया कटिहार यारों के अंदर जिसमें कि टोटल सीट मात्र 281 दिया गया है जो कि ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हर गरीब परिवार का युवा 2 साल मेहनत करता है उसमें जाके यह स्थिति भारत सरकार ने लाके यहाँ पे रख दिया है कि 60,000 में मात्र 221 सीट दिया है। भागलपुर में मिस्टर मिस एंड मिसेस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 4 का ऑडिशन स्थानीय होटल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिसमें भागलपुर, नवगछिया, बांका, पूर्णिया, कटिहार समेत कई जिलों के युवक युवती एवं महिलाओं ने अपना जौहर दिखाया। वहीं इसको लेकर आयोजक शाहिद स्मित ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय शो के लिए तैयार किया जाता है जिसमें युवा मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाकर दुनिया में भी अपने देश का नाम रोशन कर सके। वहीं कार्यक्रम के संचालक ने बताया कि ऑडिशन के बाद चयनित प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के ग्रूमिंग और ट्रेनिंग दी गई जबकि कार्यक्रम में बिहार के अलग अलग जिलों में चयनित प्रतिभागियों से मुकाबला होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर में पहली बार महिलाओं के लिए मिसेस फेस ऑफर लेकर आए हैं जिसमें महिलाएं भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। वहीं ऑडिशन में विभिन्न जिलों के 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिसमें से 30 प्रतिभागी का चयन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।